नाम पे खेलिए, आप धर्म के नाम पे खेलिए। मेरा सीधा सीधा निशान है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं। आप बड़ा सवाल यही है, तमाम पार्टियों से हम यही सवाल कर रहे हैं कि जब अब तमाम पार्टियां तमाम सीट का ऐलान करेंगी, उनमें महिलाओं को कितनी भागीदारी मिलेगी? क्योंकि ये नजर सभी उत्तर प्रदेश की महिलाओं की होगी कि हमें कितना रिप्रेजेंटेशन तमाम पार्टियां देती हैं। ये उनसे पूछिए जिन्होंने महिलाओं का सम्मान ना किया हो, वो पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं जो आज महिलाओं के सम्मान की बात 30 साल के बाद उठा रही हैं। हम तो लगातार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और उसमें महिला सम्मान नारी गरिमा नारी सम्मान को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई अगर कोई लड़ता है देश में वो भारतीय जनता पार्टी है, ये जग जाहिर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप देखें देश की सरकार में देख लें और उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी सरकार में देख लें, हमने महिलाओं को अच्छी जगह पर रखा है, सम्मान के साथ रखा है, बराबर से भागीदारी दी है उनको। और आज अपराध गुप्त उत्तर प्रदेश इसीलिए है कि यह भी महिलाओं के सम्मान में काम किया है आदरणीय योगी सरकार ने, क्योंकि पिछली सरकार में चाहे सपा की सरकार रही हो बसपा की सरकार रही हो तो उससे पहले बिजनौर की भरी अदालत ने जजपाट के सामने सबसे ज्यादा अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, नौ ना गोलियां मारी गई। शाहजहांपुर में भरी अदालत में गोलियों से छलनी कर दिया गया। गोरखपुर में एक व्यापारी को पीट पीट कर मार दिया गया। बेटियों के साथ लगातार बलात्कार होते रहे, उनकी हत्याएं होती रही, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बलरामपुर गोंडा हो या मारवंशी हो, पहले इनको बीजेपी बीजेपी ठीक है जवाब ले लेता हूँ। राजा साहब जवाब दे रहे हैं। राजा साहब ये तो है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम को थोड़ा सा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी ने चेंज कर दिया है। अब यहां पर महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात होगी। जाति धर्म जिन मुद्दों को लेकर ज्यादातर पार्टियां सामने आती थी, राम मंदिर धर्म, अब कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर महिला भागीदारी को लेकर महिला रोजगार को लेकर ये कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने मोमेंटम बदलने की कोशिश की है। एक बात साबित कर दी उन्होंने कि अगर कहीं महिला सुरक्षा है अभी जिन राज्यों में उसमें उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तभी वो बार बार यहाँ पर आती है और तमाम हमारी बहनों को साथ में लेकर आती है कि यहाँ चलो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित है। उन्हें साफ समझ में आता है, केजरीवाल की सरकार में भी नहीं समझ में आता है, राजस्थान की सरकार में भी नहीं समझ में आता है, पंजाब की सरकार में नहीं समझ में आता है, छत्तीसगढ़ की सरकार में नहीं समझ में आता है और महाराष्ट्र की सरकार में नहीं समझ में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और लखनऊ आने में वो बिल्कुल संकोच नहीं करती है। यहाँ कानून का राज स्थापित है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, कानून का इकबाल है, कानून का राज है, इसलिए यहाँ आकर ये बातें करती है वो। ठीक है आईपी सिंह साहब से मैं जवाब ले लेता हूं। दयानंद मसाज कराते हैं, पूरे देश ने देखा, उन्नाव में इनके विधायक ने रेप किया और पीड़िता के पिता को पीट पीट कर जेल में हत्या करा दी। उसी उन्नाव में दो दलित बेटियों के साथ हत्या कर दी गई। हाथरस में दलित की बेटी के साथ बैंक रेप होता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कोई रेप नहीं हुआ। सिंह साहब जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रेप नहीं हुआ, लखनऊ से सिंह साहब जिन जगहों का जिक्र कर रहे हैं, उन्नाव की बात कर रहे हैं, हाथरस की बात कर रहे हैं, बलरामपुर में रेप होता है, वहां प्रियंका गांधी सबसे पहले पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। उन्नाव का जिक्र आप कर रहे हैं, हाथरस का जिक्र आप कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां सबसे पहले मिलने पहुंची थी, सारी सुर्खियां वही बटोर रही थी। वो दिल्ली के करीब है तो दिल्ली से जब भी उनको मुफीद लगता है, टपाक टपाक भाई बहन आते हैं और टपाक टपाक वापस हो जाते हैं।